हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम मिर्चन, आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जो 60 दिन का प्लान मैंने तैयार किया है, जो स्ट्रेटजी मैंने तैयार की है, उसका आज 29वां दिन है। और 29वें दिन आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी बातें इस वीडियो में करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मैथ की। तो मैथ में जो चल रहा है, वो चल रही है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम आज पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक होता है। और यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में, और भी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन रेलवे ग्रुप डी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हाइट एंड डिस्टेंस। यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है, तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट करें। आज एक दिन का ही टॉपिक होता है, अगर आप अच्छे से करेंगे तो एक दिन में ही इसको आज कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद बात करेंगे रीजन में। रीजन में आपको 7वां प्रैक्टिस सेट लगाना है आज, और कितने गलत आ रहे हैं उन क्वेश्चनों के, चार चार क्वेश्चन अलग से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद बात करेंगे जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में देखिए, जो बायोलॉजी चल रही है आज, मानव शरीर। देखिए, मानव शरीर थोड़ा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि मानव शरीर के बारे में बहुत सारी आपको जानकारी चाहिए। ह्यूमन बॉडी जो होती है, इसमें कौन कौन से अंग हैं, क्या चीज़, क्या फंक्शन होते हैं, ये सारी नॉलेज आपको लेनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। इसके बाद बात करेंगे हम जीके एंड जीए की। तो जीके एंड जीए में करंट अफेयर 2021 का जो हम पढ़ रहे हैं, उसका आज आपको क्या करना है। देखिए, आज आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक का, यानी कि 7 महीने की करंट अफेयर का रिवीजन करना है आज। देखिए, मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ, और रिवीजन भी अलग अलग टाइप से। अब मैंने आपको सभी महीनों का एक साथ रिवीजन कराना है, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन आपके आंखों के सामने से कई बार चला जाए और आप कभी भी उसे भूलें नहीं। और जो हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री में आज आपको 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, वो आपको आज पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आज आपको पढ़ने हैं। और देखिए, जिन्होंने कल मॉक टेस्ट लगाया, वो आज उसका एनालाइज करें, जो मॉक टेस्ट आज लाएंगे वो इसका एनालाइज कल करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, धन्यवाद।